पर उसके अभी थोड़ा बताएंगे मैम। मैम और जाएंगे पड़ोसी आप एक काम कीजिए, सब जगह बताएंगे। सुनिए आप एक काम कीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं मैम? मैं दिल्ली से बात कर रही हूं। मैम आपका एड्रेस बताइए ऑफिस का। क्यों आप क्या करेंगे मेरे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे SBI क्रेडिट कार्ड के टैली कॉलर्स फर्जी एडवोकेट बनके कस्टमर को कॉल करते हैं, कस्टमर को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, और जब कस्टमर उनकी डिटेल्स वेरीफाई करने की कोशिश करता है तो वो तुरंत फ़ोन काट देते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कार नंबर याद है आपको? लास्ट कार नंबर है ही नहीं आपके पास। कोर्ट से बात कर रही हूँ, सोनाक्षी सिन्हा एडवोकेट। आपके केस में लीगल एक्शन लिया जा रहा है सर। आप घर का एड्रेस आ रहा है वहाँ पे, वहीं पे लीगल के ऑफिसर जो है वो विजिट करेंगे। तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं? 5% ये बढ़ता जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा अगर क्लोज नहीं करेंगे तो। कहाँ इशू आ रहा है, आप इसको क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम आपने मैंने सबसे पहले मैम वहाँ भी बात नहीं बनी, तो मैम वही चीज है फिर आपको। मैम लीगल एक्शन लिया तो ठीक है, आप ले लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैम उसमें नोटिस अप्लाई करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मैं अभी कोई नोटिस ऐसा आया नहीं है, तो अभी मुझे पता नहीं। और आपकी कॉल आई तो मैं इसलिए आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। नहीं, सेटलमेंट अगर करना चाहते तो मैं सेटलमेंट करवा देती हूँ आपका। अगर आपको टोटल पेमेंट नहीं करना है तो मैं सेटलमेंट करवा देती हूँ, मेल करवा के। बट आप करवाइए तो सही, बट आप करवाइए तो सही, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं। मैम आपके पास अगर बैंक ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो देखिए, मैं इसमें आपको भी ये नहीं बोलूँगी आपकी गलती है, बट बैंक क्या करता है, बैंक आधी बातें बताता है आपको भी और आधी बातें हमें बताता है। ये चीज होती है। मैंने बैंक को ऑलरेडी सेटलमेंट रिक्वेस्ट किया हुआ है, आप कहोगे तो मैं आपको मेल वो फॉरवर्ड कर दूँ, लेकिन मैम उसमें मैम कोई रिवर्ट नहीं कर रहा है। कितने अमाउंट आप मजाक करने गए यहाँ पे बैठ के? मैम मैं तो मजाक नहीं कर रहा। मैम 5 लाख का आपका ड्यू शो कर रहा है, करंट वैल्यू बता रहे हैं, वो वैल्यू मेरी बढ़ते बढ़ते कर ब्याज ला के उन लोगों ने करी, मेरा एक्चुअल वैल्यू कर लीजिए, मैं तभी तो कुछ कर पाऊंगा। मेरे पास मैम सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होगी तो मैं कहाँ से? मंथली पेमेंट देखिए मंथली पेमेंट तो उसका होता है, इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम होता है। मैम सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होता, मंथली पेमेंट कहाँ से कर दूँ? और ऊपर से जो बैंक ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, बैंक ने मेरे घर पास जहाँ मैं पहले रहता था गाजीपुर वहाँ पे आगे 50 ग्राम में किया, मैम उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैम उसकी जिम्मेदारी तो बैंक नहीं लेता है। मैम वो तो आपको तो उसने आधी बात बता दी, आधी बात उसने बताई थी मेरे को पूरा वहाँ से। मैम वो तो अपनी चीजें बता रहे हैं। अगर आप वन टाइम में नहीं कर पा रहे इतना पेमेंट तो आप 5 पेमेंट कीजिए, जो आपका टोटल है उसमें से तो इसमें से देखिए बैंक ने ऑलरेडी मेरा बहुत नाम खराब कर दिया है, मेरी हेल्थ पहले से खराब है, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है फंड की जो मैं कहीं से ले देके कर सकता हूँ, मैंने उनको बता दिया कि मैं पॉसिबल हो पाएगा। आप मेरी बात सुनिए सिमिलर सिचुएशन मेरे अदर बैंक के साथ भी थी। मैम वो तो हर बैंक के रूल एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, पॉसिबल नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। बैंक अंडर में ही आता है, मैम बैंक आरबीआई के अंडर में ही आता है, बैंक की और किसी के अंडर में, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक आरबीआई के अंडर में आता है। मैम मेरी सिचुएशन ऐसी, बैंक मेरा नाम खराब कर चुका, मैंने अभी तो क्लोज में बैठे सिचुएशन बैंक नहीं दे सकता है ना, सिचुएशन बैंक नहीं दे सकता है ना। तो कार्ड आपने यूज किया तो आपकी लायबिलिटी बनती है पेमेंट करना, तो मैंने बोला ना। मैम आप किसी का नाम खराब कर देते हैं, कोई बंदा पहले बीमार है आप उसके घर पे 50,000 ड्रामे करते हैं। नाम क्यों खराब किया जा रहा है? नाम क्यों खराब किया जा रहा है? डिफॉल्ट किया हुआ है, डिफॉल्ट कर रखा है आपने यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड यूज करके पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो नाम तो खराब होगा ना आपका। मैम तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे भी ज्यादा नाम खराब होगा आपका करने को। मैम मैम आप ये तो नहीं बोलता है ना कि क्रेडिट कार्ड यूज कर लो उसके बाद पेमेंट ना दो, ये बोलता है। मैम आरबी ये भी तो नहीं बोलता ना, किसी घर पे बिना बताए चले जाओ वहाँ पे उनकी फैमिली को डराओ धमकाओ, मैम आरबी तो ये भी नहीं बोलता है ना। तो क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, कार्ड यूज किया आपने तो जाएंगे ना। तो मैम बिना इन्फॉर्मेशन थोड़ा ना जाएंगे मैम, पड़ोसी को थोड़ा ना बताएंगे मैम, और जाएंगे पड़ोसी को बताएंगे, सब जगह बताएंगे। सुनिए आप एक काम कीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं मैम? मैं दिल्ली से बात। मैम आपका एड्रेस बताइए ऑफिस का। क्यों आप क्या करेंगे मेरे एड्रेस पे? मैं, क्या करेंगे मैं, आप कार्ड यूज कर ले डिफॉल्ट करके बैठे हुए हैं और मेरा एड्रेस ही आपको। मैम आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं बैंक से नहीं बात करूंगा? अब आप नहीं बताएं डिटेल तो आप अपनी गलती कर रहे हैं ना, आप खुद छुपा रहे हैं अपने आपको। आपको किसी बात का डर है कि आप मुझे अपना एड्रेस